थाना घूरपुर पुलिस एवं एसओजी यमुनानगर की संयुक्त टीम ने 48 घंटे के अंदर डकैती की घटना का अनावरण करते हुए डकैती व लूट की घटना से संबंधित 4 अभियुक्त गिरफ्तार किया है। साथ में उनके कब्जे से लूट के सामान भी बरामद किया है। मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार घूरपुर पुलिस व एसओजी यमुनानगर की संयुक्त टीम ने 4 अभियुक्त सूरज पुत्र इंद्रजीत निवासी कफटुआ थाना करचना, समीर भारतीय पुत्र करण भारतीय निवासी बरदाह थाना करचना, विशाल कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी खटंगिया थाना घूरपुर एवं अनूप भारतीया पुत्र भोला भारतीय निवासी तरौल थाना करचना प्रयागराज हैं, जिन्हें बृहस्पतिवार को घूरपुर के ग्राम चौकठा से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 6 जोड़ी पायल, 41 जोड़ी बिछिया, 3 नथिया पीली धातु, 1 काले मोतियों की माला, 2 बाइक तथा नकद 5,630 रुपये बरामद किया गया। धारा में बढ़ोतरी कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई। देखिए, दिनांक 5 अगस्त 2024 को थाना घूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत घुंगापुर नामक जगह पे कर्मा निवासी एक व्यक्ति करण सोनी, जो कि नैनी क्षेत्र में ज्वेलरी की शॉप, ज्वेलरी का दुकान है उनका, तो वहाँ से जब वो लौट रहे थे अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ बाइक से, तो उनकी सूचना के आधार पे कुछ लोगों द्वारा, कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनकी बाइक को जबरदस्ती रोक करके जो उनका बैग था वो लूट लिया गया था, जिसमें कि ज्वेलरी थी उनके हिसाब से करीब 1 किलोग्राम की सफ़ेद धातु की और करीब 60 ग्राम्स की पीली धातु की ज्वेलरी थी। घटना में तत्काल एसओजी टीम को और थाना पुलिस की टीम को लगाया गया था। बड़ी शीघ्रता से इस घटना का अनावरण करते हुए घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को, जिनका नाम सूरज, समीर, विशाल और अनूप है, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है और इनके पास से जो लूटा हुआ सामान था उसमें से करीब करीब 80% सामान की बरामदगी इनके पास से की गई है। इसके साथ साथ इसमें 4 अभियुक्त और वांछित हैं जो इनकी पूछताछ में प्रकाश में आए हैं, इनकी भी गिरफ्तारी और जो शेष लूटा हुआ सामान है उसकी बरामदगी बहुत जल्दी इसकी सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले इनके द्वारा किसी तरह की और इस तरह की घटना का, देखिए, जो 2 अभियुक्त इसमें विशाल और अनूप हैं, इनके ऊपर पूर्व में भी एक लूट का मुकदमा पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो वांछित अभियुक्त हैं, जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो उनके बारे में और डिटेल जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि करण सोनी पुत्र मुन्नूलाल सोनी निवासी कर्मा थाना घूरपुर बीते 5 अगस्त को रात करीब 8 बजे नैनी स्थित अपने ज्वेलर्स की दुकान बंद कर बैग में सोने व चांदी की ज्वेलरी व नकद पैसे लेकर बाइक से कर्मा अपने घर जा रहा था। रास्ते में घोंघापुर थाना घूरपुर के पास बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसकी तहरीर थाना घूरपुर में दी गई थी। घटना के खुलासे के लिए टीम गठित की गई थी, उसकी आज गिरफ्तारी करते हुए अनावरण किया गया।